नमस्कार दोस्तों, हेमंत एएलपी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, अनुपात और समानुपात से संबंधित सूत्रों को अब पढ़ेंगे हम, ठीक है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं संजोगानुपात। संजोगानुपात मतलब होता है गुणनफल निकाले। जैसे ए अनुपात ए बी और बी अनुपात ए सी दिया है, तो ए बाई बी गुणे बी बाई सी बराबर उधर वाला कर देंगे 2:3 गुणे 4:5 जो भी हो, तो ये बी बी से कट जाएगा, ए अनुपात ए सी यहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरीके से संयोजनपात निकालते हैं। और विलोमानुपात की अगर बात किया जाए तो विलोमानुपात कैसे निकालते हैं। विलोमानुपात का मतलब ये होता है कि जैसे यही 3, 4, 5 का विलोमानुपात निकालना है, तो विलोम मतलब उल्टा होता है। 1:3, 1:4, 1:5 एलसीएम ले लीजिए और ऊपर जो है एलसीएम ले लीजिए, और इसका जो ऊपर जैसे निकलता है एलसीएम लेने के बाद जैसे भिन्नों का योग वोग करते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पे कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। या दूसरा सिस्टम ये है कि जैसे 3 है तो सबसे पहले 3 को ढक दीजिए और इन दोनों को गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 20। उसके बाद दूसरा क्या करेंगे, 4 को ढक दीजिए, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15। फिर 5 को ढक दीजिए, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12। तो 20:15:12 इस तरीके से विलोमानुपात निकलता है, ठीक है। अगर कभी इस टाइप का प्रश्न दिया हो जी, इस टाइप का 3a = 5b = 2c और पूछे ए बी सी का मान बताइए, तो इसको भी विलोमानुपात से निकालेंगे। इसको ढक देंगे, हाथ से इसको ढकेंगे, जो दोनों बचेगा 5b = 2c बच रहा है, तो 5 × 2 = 10, तो यहाँ पे आप 10 लिख सकते हैं। उसके बाद इसको ढकेंगे तो ए दोनों बचेगा, 3 × 6 लिख सकते हैं। फिर इसको ढकेंगे, ठीक है, फिर इसको ढकेंगे तो ए दोनों बचेगा, तो 5 × 3 = 15, यानी कितना हो गया 10:6:15 इसका ए अनुपात ए बी अनुपात ए सी का मान आ जाएगा। उसी तरीके से देखिए, ए अनुपात ए बी बराबर कुछ दिया है और बी अनुपात ए सी बराबर कुछ दिया है, तो ऐसे लिखते हैं ए अनुपात ए बी, जैसे 3:2 यहाँ लिख दिए, फिर बी अनुपात ए सी कुछ दिया है 4:5 यहाँ लिख दिए, इसका गुणा इसमें, तो 4 × 3 = 12 और इसका गुणा इसमें 4 × 2 = 8 और इसका गुणा इसमें 5 × 2 = 10, तो ए आपका ए बी सी का मान निकल जाएगा। उसी प्रकार से अगर जैसे ए अनुपात बी बराबर 2:3 दे दिया है, बी अनुपात सी बराबर 3:5 दे दिया है, और सी अनुपात डी बराबर 4:2 दे दिया है, ठीक। तो आपको पूछ लिया ए बी सी डी में अनुपात, तो इसका पहले कर दीजिए और इसका कर दीजिए, तीनों का गुणा 3 × 6 = 24 हो गया और 5 × 10 = 30 हो गया। ए और डी का अनुपात निकल गया और बी और सी का बचा है, तो यहाँ से देखिए इससे जाएंगे इस पे और इस पे, यानी इससे इस पे 3 × 9 = 36 जो हो गया आपका ए हो गया, ठीक। उसके बाद यहीं से ए इधर आ जाएंगे ऐसे ऐसे, यानी 3×15 = 60 हो गया। तो ए आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद, राइट साइड से यानी बी से समांतर चतुर्भुज बनेगा, ऐसे याद कर लीजिए, आप कर ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए टाइप 4 आ जाता है, ए अनुपात बी का अगर डुप्लीकेट निकालना है, अंग्रेजी में भी कभी कभी लिखा रहेगा, तो डुप्लीकेट मतलब क्या है, डू से क्या हो जाएगा वर्ग, ठीक, वर्गानुपात। तो ए जैसे 2:3 है, उसका वर्गानुपात 4:9 हो जाएगा, ठीक। और ट्रिपली अनुपात में घनमूल निकाल लेते हैं, ट्रिप्लीकेट में घनानुपात ए क्यू अनुपात बी क्यू। और सब डुप्लीकेट, सब मतलब क्या होता है, एक नीचे, तो सब मतलब हो जाएगा अंडर रूट ए अंडर रूट बी, ठीक। और सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए पे 3 यहाँ हो जाएगा, ठीक। यानी जोड़ा जो इसमें, जैसे इसमें अंडर रूट 4 रहता तो अंडर रूट 2 × 2 बाहर चला आता, तो इसमें अंडर रूट 4 नहीं, इसमें अंडर रूट 8 रहेगा, तब 2 × 2 × 2 करेंगे तब 2 बाहर आएगा, यही दोनों में अंतर है। विभाजन वाला देखिए प्रश्न कैसे लगता है, जैसे अनुपात निकाल लेंगे आप चाहे जैसे करके, ठीक। अनुपात अगर आप पा गए तो
तो टोटल दिया रहेगा बटे फिर एक आनुपातिक योग जिसका निकालना रहेगा उसका आनुपातिक मान और टोटल का आनुपातिक योग यहाँ रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है, जैसे संख्या 4x 6x 8x है तो इसका मासा क्या होगा। अब देखिए मासा पा होता है महत्तम, ठीक है, हाई, ठीक। तो मासापा मतलब हमेशा जानते हैं क्या होता है, कामन होता है। मासापा मतलब कामन, जो तीनों में कामन हो वही मासापा हो जाएगा, सीधी सी बात है। जैसे देखिए इसमें क्या है, इसको 2×2 लिख सकते हैं, इसको 2×3 लिख सकते हैं, इसको 2×2×2 लिख सकते हैं। इसमें देखिए 2 सब में कामन है और x सब में कामन है, तो 2x इसका मासापा हो जाएगा। और नहीं इस तरीके से आप निकाल भी सकते हैं, 2x कामन लेंगे तो देखिए आपका इतना आ जाएगा, फिर यहाँ कामन मिलेगा नहीं तो आगे जाएगा नहीं, मासापा ऐसे निकाला ही जाता है। अब देखिए जैसे ए अनुपाते बी अनुपाते सी, यानी ए बराबर 7 बी बराबर 4 और सी बराबर 2 दे दिया है, ए बी सी का मान आपको डायरेक्ट दे दिया है, तो पूछ रहा है कि इतने का मान और इतने का मान क्या होगा। तो इसमें देखिए एक पावर वन है, बीक पावर वन है, और बीक पावर वन है, सीक पावर वन है, यानी नीचे भी घात 2 हैं और ऊपर भी घात 2 हैं, तो इसका उत्तर निकलेगा यही, ए बराबर 7 रख दीजिए, बी बराबर 4, सी बराबर 2, ठीक। लेकिन इसमें देखिए 2 घात 2 घात, ऊपर 4 घात हैं और नीचे 1 घात 1 घात, नीचे 2 घात है, तो इसका अभी मान इसको रखेंगे कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगा, लेकिन मान नहीं रख सकते हैं क्योंकि ऊपर और नीचे का घात बराबर अगर रहेगा तभी उत्तर तय किया जा सकता है, ठीक है। दिए गए प्रश्न में अंश और हर के प्रत्येक पद में घात आपस में बराबर होने चाहिए तभी मान निकलेगा। और ध्यान देना है कि इस मान को जो है यहाँ पे अगर आप इस तरीके से याद है आपको तब तो ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो ए बराबर आप क्या रखिए, 7x रखिए, बी बराबर क्या रखिए, 4x रखिए, और सी बराबर क्या रखिए, 2x रखिए। तो इसमें देखिए जब ऊपर नीचे का घात बराबर रहेगा तो x x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसमें ऊपर नीचे का भाग बराबर नहीं रहेगा तो x x कैंसिल नहीं होगा, यानी उत्तर तय नहीं किया जा सकता है। सबसे सीधी बात यह है कि x के रूप में मान रखिए, और x के रूप में मान नहीं रखना है तो घात ऊपर नीचे का बराबर होना चाहिए। अब देखिए शर्तों पर आधारित प्रश्न, शर्तों पर आधारित प्रश्न कैसे लगेगा। मजदूरों की संख्या 3:5 दे दिया है, वेतन में अनुपात 7:6 दे दिया है, ठीक, और पुराना दैनिक खर्च 4500 रुपया दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मजदूर, मजदूरी और खर्च, मतलब एक मजदूर को अगर हम 100 रुपया मजदूरी दे रहे हैं तो हमारा खर्च कै रुपया हो रहा है, 100, दो मजदूर को 100-100 रुपया दे रहे हैं 200 खर्च हो रहा है, इसी तरीके से मजदूर मजदूरी खर्च लिख देंगे तुरंत। उसके बाद देखिए मजदूर की संख्या जो है 3:5 दिया है, ठीक, और मजदूरों के वेतन में अनुपात 7:6 दे दिया है, तो खर्च इसका कितना हो जाएगा, 3×7=21, 5×6=30, तो इसका खर्च इतना हो जाएगा 21 और 30। तो इसमें पुराना दैनिक खर्च दिया है, नया खर्च पूछ रहा है, तो पुराना खर्च बटे नया खर्च बराबर 21/30 लिख देंगे, तो आपका पुराना खर्च की जगह 4500 दिया है तो नया खर्च यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल, तो लंबाई यल है पुराना वाला, मतलब वो कहेगा कि लंबाई 1.5 गुना हो जाती है और चौड़ाई जो है 4/5 गुना हो जाती है, ठीक। तो पहली लंबाई यल, चौड़ाई बी, क्षेत्रफल एल भी मान लेंगे। अब ये 1.5 गुना हो जाएगी, 1.5 L, और ये 4/5 बी हो जाएगी, और उसके बाद दोनों का गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा, तो पुराना क्षेत्रफल बटे नया क्षेत्रफल बराबर लिख देंगे। अब पुराना क्षेत्रफल या नया क्षेत्रफल में से एक का दिया रहेगा, पुराना वाला 60 दिया है तो नया वाला क्या होगा, निकल जाएगा यहाँ से, और नहीं दिया रहेगा तो पुराना क्षेत्रफल और नया क्षेत्रफल में अनुपात निकल जाएगा, टोटल क्षेत्रफल दिया रहेगा तब भी निकल जाएगा। अब देखिए निश्चित दूरी या बराबर दूरी के दशा में
कैसे? अब बराबर दूरी मतलब देखिए, चाल समानुपाती वन अपान समय अंतराल। अगर चाल दिया है आपको, जैसे चाल 2:3 दिया है, तो इसको समय निकालना होगा, डायरेक्ट 3:2 हो जाएगा। ठीक, अभी मान लीजिए 2:3:4 दे दिया है चाल दे दिया है बी, तो आपको अगर टाइम यहीं से निकालना पड़े तो आप विलोम अनुपात लगा देंगे। इसको ढकेंगे 4 3 12 अनुपाते, इसको ढकेंगे 4 2 8 अनुपाते, इसको ढकेंगे तो 3 2 6, ये आपका टाइम में अनुपात आ जाएगा विलोम अनुपात से। ठीक, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और ये समय चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चाल आपका कहीं भी दिया हो, 3:2 दिया है, तो समय 2:3 अपने आप हो जाएगा, उसमें सोचना नहीं है। अगर यूज हो तो लगा सकते हैं। ठीक, अब देखिए, जब बराबर दूरी होती है तो S1 T1 = S2 T2 होता है। अगर चाल दिया है तो उसके स्थान पर मान रख कर विलोमानुपात ज्ञात करते हैं, एक कर ढक कर T1 T2 ऐसे निकाल लेते हैं। जैसे प्रश्न में कहा कि ए को बी से 8 मिनट का अधिक समय लगता है, ए को 8 मिनट समय अधिक लगता है, तो ए वाले में T+8 हो जाएगा और बी वाले में केवल T हो जाएगा, और दूरी तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप प्रश्न में देखेंगे चाल V1 कितना दिया है, V2 कितना दिया है। जैसे इसमें V1 पास दिया है T, अब ये देखिए इसकी चाल कम है तो समय क्या लगेगा, इसमें ज़्यादा लगेगा, इसका चाल अधिक है तो समय कम लगेगा, तो इससे भी ध्यान दे सकते हैं, और प्रश्न में जो कहा है उससे भी। प्रश्न में निश्चित दूरी या बराबर दूरी लिखा रहेगा जरूर। अब देखिए, कुत्ता खरगोश छलांग वाला, कुत्ता है खरगोश है, अब दूरी यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे समय लिखा है। ठीक, दूरी यहाँ पे लिखा है, यहाँ मतलब कुत्ता जितनी दूरी 3 छलांग में तय करता है, खरगोश उतनी दूरी 5 छलांग में तय करता है। ठीक, ये छलांग हो गया और दूरी, और कुत्ता जितना समय 2 छलांग में लेता है, खरगोश उतना समय 3 छलांग में लेता है। तो कुत्ता वाला यहाँ पे दूरी और समय दोनों, खरगोश वाला यहाँ पे और खरगोश वाला यहाँ पे, उसके बाद दोनों तिर्यक गुणा कर देंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 9, ये कुत्ता वाले का 10 हो जाएगा, खरगोश वाले का 9, यानी 10:9। कुत्ता का 3 छलांग खरगोश के 5 छलांग के बराबर है। जितने समय में कुत्ता 2 छलांग मारता है, उतने समय में खरगोश 3 छलांग लगाता है, तो अनुपात निकालना होगा तो ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए समानुपात पे पहुंच गए हम लोग। समानुपात में जैसे A:B, C:D, तो इसका और इसका गुणा हो जाता है, और ये दोनों जो सटे हैं उसका गुणा हो जाता है। नहीं समझ में आए तो इस तरीके से लिख के A/B, C/D करके गुणा करेंगे, तब भी वही बात आएगा। अब देखिए यहाँ पे तो 3 चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे मध्यानुपात हुआ, तृतीयानुपात हुआ, चतुर्थी अनुपात हुआ, और सतत अनुपात हुआ। तो मध्यानुपात में देखिए मध्य के दोनों गायब हो जाते हैं, A और D रहेगा और मध्य के दोनों गायब रहेंगे। जैसे 16 और 25 का मध्यानुपात ज्ञात करिए, तो हम जान गए तुरंत कि ये 16 और 25 जो है क्या है, A और D है। मध्यानुपात ज्ञात करना यानी प्रश्नवाचक का स्क्वायर बराबर 16 × 25 कर देंगे, और ये चूँकि 16 और 25 जो है वर्ग के रूप में दिया है, तो इससे और समझ में आ जाएगा कि वर्ग हटाएंगे तो यहाँ 4 × 5 = 20 आंसर आ जाएगा, और वर्ग वाले में ज़्यादातर ऐसे ही रहेगा, B² = AD। ठीक, अब देखिए मध्यानुपात में मध्य वाला दोनों गायब हो जाएगा, स्क्वायर में होगा। ठीक, और तृतीयानुपात में जैसे 5 और 10 का तृतीयानुपात अगर ज्ञात करना पड़ेगा, तो तृतीयानुपात में आपको क्या ध्यान देना होगा कि आपको अंतिम वाला निकालना होगा, तृतीय में चतुर्थ निकालना होगा। ठीक, और चतुर्थी में भी चतुर्थ निकालना होगा, लेकिन तृतीय में जो होगा, जैसे 5 और 10 का तृतीय अनुपात देगा तो 10 वाला 2 बार हो जाएगा। तृतीय अनुपात में जैसे 5:10 10:D लिख दिया जाएगा, इस तरीके से निकलेगा। ठीक,
ये दोनों जो होगा तृतीया हो जाएगा, और चतुर्थिम केवल तीन ठो दिया रहेगा, चतुर्थिम चतुर्थी निकल जाएगा, ठीक है। और सतत अनुपात में जैसे ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर सी अनुपात डी डाट 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 जाता है, तो ए अनुपात बी समान अनुपात बी अनुपात सी यही तो होगा ऐसे, तो ये बी स्क्वायर बराबर ए सी हो जाएगा सतत में। सतत समानुपात की संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में होती हैं, जैसे पाँच अनुपात आठ समानुपात 10:18। पूछेगा समानुपात है कि नहीं, तो आप देखेंगे इसको इसको गुणा करेंगे 80 आ गया, इसको इसको गुणा करेंगे 80 आ गया। अगर दोनों बराबर आते हैं तो समानुपात होगा। अब देखिए आय और व्यय पर आधारित प्रश्न, आय और व्यय पर जैसे एक्चुअल नंबर अगर निकालना हो तो अनुपात में गुणांक यक्स का प्रयोग करते हैं। जैसे ए की आय पूछ रहा है तो ए की आय एक्चुअल नंबर है, तो एक्चुअल नंबर अगर निकालना हो तो इसमें तुरंत यक्स निकाल लगा देते हैं। और अगर अनुपात पूछा रहता तो अनुपात जब पूछा रहता तो यक्स नहीं लगाते, तब वो ऐसे ही लगा लेते। अब देखिए इसमें क्या करना है, टाइप नंबर वन है जैसे आय दिया रहेगा, आय में अनुपात दिया रहेगा, ए की आय पूछेगा, ठीक है, ए की आय पूछेगा। अब देखिए आय में अनुपात दिया है, आय है व्यय है, जितना कमाएंगे उसमें से जितना खर्च कर देंगे वही आपका क्या हो जाएगा, बचत होगा। यहाँ पे जो खर्च लिख दिया गया है ये बचत यहाँ पे लिखा होना चाहिए था, ठीक, बचत। तो मतलब जैसे 100 रुपया मान लीजिए कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं 10 रुपया, तो 90 रुपया क्या हो जा रहा है, बचत रह रहा है। तो यही चीज़ हमको देखना है। आय में अनुपात 3:2 दिया है और ए की आय यानी एक्चुअल नंबर पूछ रहा है, तो इसमें हम तुरंत क्या करेंगे, गुणांक लगा देंगे। फिर आय हो गया माइनस, अगर बचत को माइनस कर दिया जाए तो व्यय हमको पता चल जाएगा, ठीक। तो कुल मिला जुला के यही आय माइनस बचत बराबर व्यय, आय माइनस बचत बराबर व्यय करके आप आंसर को निकाल सकते हैं इसमें, ठीक। आय 3:1 है, 2:1 है, मतलब 3x और 2x है, तो यहाँ पे 3x 2x देंगे। और बचत दोनों का दिया रहेगा प्रश्न में, जैसे 2000 बचत दिया रहेगा तो, या 2000 व्यय दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा, तो पूछेगा कि व्यय कितना हुआ, ठीक, तो निकाल लेंगे। और देखिए ए बी सी की मासिक आय में अनुपात इतना दिया है, ए की आय इतना दिया है, तो सी की वार्षिक आय पूछ रहा है, तो ए बी सी सी की वार्षिक आय पूछ रहा है, तो सीधी सी बात ये है कि अनुपात में एक्स लगा देंगे तुरंत, यहाँ एक्स एक्स लगाएंगे कैंसिल हो जाएगा। जैसे ए की मासिक आय लिख देंगे ऐसे, जैसे यहाँ पे लिखा है ए की मासिक आय बटे सी की मासिक आय, अनुपात होगा 4x/6x, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ए की आय आपको दिया है तो सी की आय आप निकाल लेंगे। उसी तरह से टाइप थ्री गुना वाला है, जैसे ए की आय बी की आय की इतनी गुनी है, खर्च इतना गुना है, तो इसमें गुना वाले में आय अलग और खर्च अलग लेंगे। जैसे 5x 4x खर्च, 5x और 4x जो है आपका आय हो गया, खर्च 2y और y है, मतलब इसका दुगना है a का, तो बचत क्या होगा, आय माइनस खर्च 5x-2x 4x-y। जैसे मान लीजिए यही मान लीजिए 500 रुपया कमा रहा है, 200 रुपया खर्चा कर रहा है, तो 500 में से 200 घटाएंगे तभी 300 आएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे किया गया है। फिर पूछा है ए की बचत क्या होगी, तो ए की बचत क्या होगी, ए की आय पहले निकालना होगा गुणे 1/4 उसका अनुपातिक योग 1/4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए दोनों का बचत दिया रहेगा, जैसे 5x-2y = 500 मान लीजिए दे दिया, 4x-y = 400 दे दिया, तो यहाँ से x और y के मान निकल जाएंगे। जब x और y के मान निकल जाएंगे तो इनका खर्च और सब निकल जाएगा। फिर ए की बचत पूछेगा तो इस ए निकल जाएगा तो घटाएंगे जो आएगा वही यहाँ पे लिख देंगे, ठीक, और गुड़े 1/4
कर देंगे, एक ही बचत आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टाइप नंबर फोर, जैसे 2:3 दिया है, वर्तमान में हम लोग 28 वर्तमान वेतन का योग 28,000 है, मतलब दोनों के वेतन का योग 28,000 है, अनुपात 2:3 दिया है। जैसे देखिए राम और गोपाल, ठीक, एक वर्ष पूर्व जो है इनके वेतन में अनुपात 2:3 था, तो 2:3 लिख दिया। वर्तमान में आर मान लिया राम का और गोपाल का जी मान लिया, क्योंकि वर्तमान में पता नहीं है। ठीक, तो देखिए इनका अनुपात क्या होगा, 2x/r अगर करेंगे तो 1/2 के बराबर होगा कि नहीं होगा, और 3x/4 करेंगे तो आपका 3/4 के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अब आप डायरेक्ट यहाँ से r का मान निकाल लेंगे और g का मान निकाल लेंगे, वर्तमान में r और g ही तो है, तो r प्लस g करेंगे तो 28,000 है, तो r का मान 4x, g का मान 4x बराबर 28,000, तो यहाँ से x का मान हमारा क्या होगा निकल जाएगा, तो यहाँ पे एक वर्ष पूर्व वाला पैसा निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जब बटे करेंगे, जैसे क्या करना है, 2:3 दिया है, किस चीज़ में दिया है, वेतन, ठीक, तो इतना बटे इतना करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, इतना इतना करेंगे तो 3:2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती पर आधारित प्रश्न, जैसे कह दिया यक्स समानुपाती वाई स्क्वायर, तो यक्स बराबर के वाई स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, फिर यक्स वन अपान वाई वन स्क्वायर बराबर x2/y2 स्क्वायर, यानी यक्स जो है इस पे स्क्वायर नहीं रहेगा। ठीक, और समानुपाती वाला डायरेक्ट हमको ऐसे याद करना है कि यक्स समानुपाती वाई स्क्वायर, तो इसके बाद के से ऐसे करके निकाल लेंगे। ठीक, और व्युत्क्रमानुपाती वाला ऐसे यक्स समान व्युत्क्रमानुपाती 1/y स्क्वायर, ठीक, तो इसमें बराबर करके के लिखेंगे, तो जब गुणा करेंगे तो x1y1 स्क्वायर बराबर x2y2 स्क्वायर, व्युत्क्रमानुपाती में सीधे सीधे हो जाएगा और समानुपाती में व्युत्क्रम और y वाले पे स्क्वायर रहेगा, यही ध्यान देना है। ठीक, अब देखिए p समानुपाती y स्क्वायर, तो p बराबर के ओमेगा स्क्वायर, तो k बराबर क्या होगा, p1/ω1 स्क्वायर p2/ω2 स्क्वायर, तो इसमें प्राइज और वेट वाला सूत्र जो है इसमें लगेगा, समानुपाती दिया रहेगा प्रश्न में। आधारित प्रश्न हीरा पर सोना पर आधारित प्रश्न होते हैं, अब देखिए सिक्कों पर आधारित प्रश्न, अब देखिए सिक्कों पर आधारित प्रश्न कैसे लगता है, जैसे 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, 20 पैसे का सिक्का है, ठीक है, तो उनमें संख्याओं में अनुपात अगर दिया है 2:3:5, ठीक, तो संख्याओं दिया है 2x 3x 5x, तो मूल्य निकालना रहे अगर, ठीक है, जैसे संख्याओं में अनुपात दिया है, जैसे मान लीजिए 1 1 रुपये का 5 सिक्का है, संख्या डायरेक्ट मैं ले रहा हूँ, तो आपसे पूछूंगा कितना सिक्का है कैसे निकालोगे, तो बटे 1 कर दोगे तो 5 आपका आ जाएगा। मान लीजिए 50 पैसे का 6 सिक्का है, 6 सिक्का है 50 पैसे के, तो आप इसमें 1/2 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 3 रुपया है, यानी 50 पैसा से भाग दे देंगे। तो वही काम करना है, संख्या अगर दिया है 3x इतना इतना दिया है, तो 1 रुपये वाले में 1 से भाग, 50 पैसा वाले में 2 से भाग, ठीक, और 20 पैसा वाले में 5 से भाग, मतलब ऐसा भाग देना है कि वो 100 पैसा हो जाए। ठीक, 50 पैसा वाले में 2 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि 50 × 100 होता है, 20×25 100 होता है, और 1 रुपये में 1 रुपये का भाग देंगे तो 1 रुपया हो जाएगा, 100 का मतलब ही 1 रुपये होता है। ठीक, और उसके बाद अभी मान लीजिए कितना रहता, मान लीजिए 25 पैसा रहता, तो 4 से भाग देते, तो इस तरीके से भाग देंगे तो मूल्य निकल जाएगा, और उसके बाद आपका जो दिया रहेगा, अगर संख्या दिया रहेगा तो संख्या को जोड़ के
ऐसे लिख के x का मान निकाल के जो भी निकालना रहे उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर देखिए मूल्य पहले दे दिया, जैसे एक रुपये का सिक्का 50 पैसे का सिक्का, 25 पैसे का सिक्का, मूल्य में अनुपात दे दिया 3x 2x 4x, ठीक। तो मूल्य में अनुपात अगर दे दिया तो संख्या पूछेगा, ठीक। जैसे 3x का मूल्य मान लीजिए दे दिया, मान लीजिए मूल्य दे दिया 2 रुपया है 50 पैसे के, तो आप कैसे निकालेंगे कि कितनी संख्या है। तो 2 रुपये में, ठीक, कि 50 पैसा में, मतलब 50 पैसे का 2 सिक्का अगर मिला देंगे तो 1 रुपया हो जाएगा, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे, ठीक। तो 2 दूना 4, यानी 4 सिक्के 50 पैसे के होंगे तब 2 रुपया होगा। उसी प्रकार से मान लीजिए 25 पैसे का मान लीजिए 6 सिक्का है ना, 25 पैसे का मान लीजिए क्या सिक्का है, 6 सिक्का है, ठीक। तो हम अगर पूछ लिए कि कै रुपया, मतलब 25 पैसे 6 रुपया है, मान लीजिए 6 रुपया है, तो पूछे कै सिक्का होगा तो आप कितना बताएंगे, 6 में 4 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 25 चौकुआ 100 होता है ना, तो सिक्का ज़्यादा होगा, सिक्का 6 चौक 24 सिक्का होगा, यानी 24 सिक्का 25 पैसे का मिलाएंगे तो आपका कै रुपया हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा, यानी संख्या निकालना होगा तो संख्या अधिक होगी, ठीक। तो संख्या में उसी चीज़ का गुणा करेंगे जिस चीज़ का भाग दे रहे थे, ठीक, बस यही काम करना है। अब देखिए औसत, गणित में औसत का सूत्र, औसत बराबर योग बटे संख्या होता है, और औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 होता है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहली संख्या बटे अंतिम संख्या बटे 2, अगर संख्याओं में अंतर समान है, जैसे अगर 30 + 32 + 34 + 36 + 38 + 40 ऐसे दिया है, इसको और इसको जोड़ दीजिए, 30 + 38 / 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंतर समान है ना, 30 से 32 2, 32 से 34 2, इस तरीके से है तो अंतर समान है, तुरंत पहली और अंतिम संख्या बटे 2 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्रमागत नया औसत, क्रमागत नया औसत अगर प्रश्न में दिया है, क्रमागत मतलब दिया रहेगा क्रमागत संख्याएं ऐसी है और नया औसत निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, पुराना औसत जो दिया रहेगा उसमें प्लस n/2 कर देंगे, क्या करेंगे, पुराना औसत में प्लस n/2 कर देंगे, और केवल अगर क्रमागत प्रभाव पूछ लिया तो केवल n/2 करेंगे, ठीक। क्रमागत प्रभाव भी किसी किसी में पूछ लेता है, या क्रमागत दिया रहेगा प्रभाव पूछेगा तो प्रभाव पूछेगा तो केवल n/2 कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए अगर क्रमागत नया औसत आपको नहीं पता है, अगर आपको संख्या माननी है, ये जो 3 संख्या अलग से मानते हैं बढ़ाते हैं वही यहाँ पे n होता है, जैसे सबसे पहले k मानना होता है इसमें, अगर 5 क्रमागत संख्याओं की बात कर दिया तो आप k मानेंगे, फिर k+1 k+2 k-1 k-2, ये हो गया आपका 5 क्रमागत संख्याएं। उसके बाद कहा कि 3 संख्याएं और बढ़ा दिया गया, तो 2 के बाद देखिए 3, 4, 5 यही बढ़ा दिया गया, तो औसत क्या होगा, तो ये 3 जो बढ़ाया गया है वही यहाँ पे लिखना होगा 3, और पुराना औसत आपको दिया रहेगा, ठीक। पुराना औसत मान लीजिए यहाँ पे k है, यही तो होगा, जैसे 5 है, 5 का एकदम बीचों बीच जो होता है वही औसत होता है, तो k+n/2, ठीक। अब देखिए प्लस माइनस गुणा भाग, बेस्ट प्रश्न, अब इसमें नया औसत देगा, पुराना औसत प्लस माइनस गुणा भाग k, ठीक। k मतलब कितना जोड़ा है, कितना घटाया है, कितना गुणा किया है, कितना भाग किया है, और बाद अगर कहेगा, बाद, बाद में प्लस होता है और पूर्व में माइनस होता है, ठीक, बाद भी कभी कभी कह देता है, और a और b का औसत अगर रहे तो a+b/2 यही तो होगा। समान दूरी देखिए, औसत चाल बराबर 2xy/x+y और औसत चाल बराबर 3abc/ab+bc+ca। असमान दूरी अगर है तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होगा,
संयुक्त औसत देखिए कैसे निकलेगा, संयुक्त औसत ठीक। तो इसमें देखिए तीन ठो आपको मिलेगा, तीन जैसे पास है पास है पास है, ये अलग अलग, ये कुल कुल औसत होगा। तो इसमें देखिए नेट लगा देंगे डायरेक्ट ठीक। यन मतलब संख्याएं दी रहेंगी, ए मतलब एवरेज दिया रहेगा, गुणा करके टी निकाल लेंगे, यहाँ जो आएगा अपना औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या से निकाल लेंगे। और वही चीज़ देखिए यहाँ पे बॉयज है, गर्ल है और यहाँ पे टोटल है ठीक। तीनों का मात्रक समान हो, संयुक्त औसत निकल जाएगा। तीन ही चीज़ दिया रहेगा इसमें। अब देखिए बॉयज का इसी में से अगर निकालना है तो यहाँ पे अनुपात ही तो निकलेगा, यहाँ पे अनुपात ही निकलेगा, बॉयज का ए गर्ल का ए। तो कुल संख्या अगर दिया है गुणे बॉयज का अनुपात निकालना है बटे अनुपातिक योग कर देंगे, और अगर भाग निकालना है तो सिर्फ इतना हो जाएगा, अनुपातिक मान बटे अनुपातिक योग। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते हैं, अगर बॉयज का भाग पूछ लिया, मान लीजिए 2:5 है तो 100 से गुणा कर देंगे तो 20×40% आ जाएगा आपका प्रतिशत में ठीक। और संख्या के वर्ग और वर्ग के बराबर, जैसे एक प्रश्न आता संख्या के बराबर, एक संख्या के वर्ग के बराबर, ये दो टाइप हैं। अगर संख्या के बराबर आ गया तब तो औसत वाला लग जाएगा, औसत बराबर 2xy/x+y, और वर्ग के बराबर आएगा तो x/y लग जाएगा। और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो नेट लगा दीजिए, तब भी लगा लेंगे ठीक। क्या करेंगे, नेट लगा के भी लगा सकते हैं। संख्या के बराबर औसत वाला सूत्र, वर्ग के बराबर x/y। अब देखिए आठवीं संख्या क्या होगी, तो इसमें सबसे पहले ऐसे ऐसे खींच लेते हैं जितनी संख्या की बात करेगा। यहाँ देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 संख्या की बात कर रहा है, और प्रथम दो संख्याओं का औसत इतना है दिया रहेगा तो 2 × उतना कर देंगे, 2 संख्या ले लेंगे। अगली तीन संख्याओं का 3 संख्या ले लेंगे, 3 × औसत दिया रहेगा जितना लिख देंगे। और देगा कि मतलब ये सातवीं संख्या से 4 कम है, तो ये k+4 है तो के होगा, और आठवीं से 7 कम है तो 7 कम है तो k+7 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा मैप बन जाएगा, और संख्या लिख देंगे यहाँ पे 8 और गुणे औसत जो आपका दिया रहेगा उसको लिख देंगे ठीक। तो यहाँ से आपको जो भी मान निकालना हो ये सब देखिए जोड़ेंगे, ये सब जोड़ेंगे तो यही जोड़ने के बाद यहाँ पे जो गुणा करने के बाद आएगा उसके बराबर करेंगे तो k का मान निकल जाएगा, जो भी निकालना चाहेंगे सब निकल जाएगा ठीक। अब देखिए 5 मित्र होटल में जो खाना खाने गए थे वो वाला सूत्र कैसे अप्लाई होता है, जैसे NAT नेट ठीक है। नेट का मतलब क्या है, कहेगा कि 5 मित्र हैं उनका औसत खर्च y₹ है, तो टोटल ये लोग खर्च कर रहे हैं 5y, इतना तो आपको करना है। सबसे पहले अगर 5 मित्र दिया है तो 5×y 5y इतना आपको करना है तुरंत ठीक, नेट लिख के। उसके बाद कहेगा कि 4 जो हैं, 4 दोस्त जो हैं 80-80 रुपया खर्चा करते हैं बराबर बराबर ठीक। और पांचवा जो है औसत से 80 रुपया अधिक खर्चा करता है ठीक, औसत से 80 रुपया अधिक खर्चा करता है, तो प्लस करके 5y कर देंगे, यानी कि जितना जितना खर्चा करेगा वो टोटल खर्चों के बराबर तो होगा, जोड़ा जाएगा ना, तो समान औसत खर्च से 80 रुपया अधिक खर्चा करता है, तो यहाँ से y का मान निकाल लेंगे। और इसका मान निकालना होगा तो ये भी निकल जाएगा, इसका मान निकालना होगा तो ये भी निकल जाएगा। और यहीं पे अगर कहता 80 रुपये कम तो यहाँ पे y-80 कर देते, लेकिन जोड़ते तब भी ठीक। अब देखिए क्रिकेट मैच पर आधारित प्रश्न, क्रिकेट मैच पर आधारित प्रश्न में 3 टाइप के प्रश्न आते हैं और तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट और सरल हैं। देखिए क्रिकेट पर आधारित प्रश्न के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको नया औसत, अब यहीं देखिए क्रिकेट वाले में प्लस माइनस जो होता है उल्टा होता है, वृद्धि के लिए आपको यहाँ पे माइनस होगा और कमी के लिए प्लस होगा ठीक।
थे, केवल और केवल औसत में और क्रिकेट वाले में प्लस और माइनस का मतलब अलग होता है। ठीक, अब देखिए नया औसत मतलब 17वीं पारी के बाद का औसत, नया औसत तो रन प्लस माइनस एन माइनस वन इंटू के, ठीक एन माइनस वन इंटू के, और पुराना औसत पूछेगा तो सूत्र वही है, केवल ए वन गायब हो जाएगा, रन प्लस माइनस एन के। ठीक, तो उसमें क्या है, रन प्लस माइनस एन माइनस वन इंटू के नया औसत और रन प्लस माइनस एन इंटू के पुराना औसत। ठीक, यानी 17वीं पारी के पहले का औसत। उसके बाद आपको टाइप थ्री आएगा, 3/11 भाग 3/11 भाग 18 अंतर इस तरीके से दिया रहेगा, तो उसमें कुछ नहीं करेंगे, जो यक्स है कुल स्कोर और गुड़े जो बटेम दिया है उसको दो बार लिखेंगे ही, बटेम जो देगा समान देगा, उसके बाद अंतर जो दिया रहेगा वो लिख देंगे, आपका यहाँ से स्कोर आ जाएगा, और स्कोर दिया रहेगा ए दिया रहेगा तो अंतर आ जाएगा, तो क्या हो जाता है, यक्स इंटू ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर डी। क्रिकेट में प्लस तथा माइनस का मतलब उल्टा होता है, प्लस मतलब कमी और माइनस मतलब वृद्धि होता है। अब देखिए समूह में नए सदस्य शामिल करना या हटाना, टाइप वन में क्या होता है, इसमें भी नेट ही लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका दिया रहेगा सब कि इतने व्यक्ति का औसत इतना है, तो टोटल आप गुणा करके निकाल लेंगे, और यहाँ पे एक का अंतर दिया रहेगा तो यहाँ पे भी अंतर निकालेंगे तो एक कितना भारी है वो पता चल जाएगा। ठीक, अगर दो का अंतर दिया रहेगा, दो निकाल के यहाँ पे दोनों का निकलेगा तो औसत निकल सकता है। 6 महीने की वृद्धि, 6 महीने को 6/12 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा वर्ष, अगर 30 दिन दिया है तो इसको 365 से भाग देंगे तब वर्ष में बदलेगा। ठीक, अब देखिए नए सदस्य का भार, आया बराबर गया प्लस माइनस एन के, आया बराबर गया प्लस माइनस एन के। ठीक, तो यहाँ पे आपका प्लस मतलब वृद्धि, माइनस मतलब कमी, हमने अभी बताया कि क्रिकेट वाले में केवल प्लस माइनस का मतलब उल्टा होता है और सब जगह सीधा ही सीधा होता है, आया गया प्लस माइनस वृद्धि। अब देखिए एक के स्थान पर दो नए शामिल कर दिए जा रहे हैं, तो जैसे एक नेट लगाएंगे, 30 था, 30 का औसत 16 था 480, अब देखिए एक हटा दिया गया 29 कर दिया गया तो औसत 460 हो गया, अब दो और भरे गए तो 29 2 31 हो गए और औसत इनका 496 हो गया, मतलब पुराना वाला ही हो गया। ठीक, तो आपको अब इन दोनों से मतलब, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, इधर दो लोग आ रहे हैं, इधर अंतर करेंगे तो 36 वर्ष आ रहा दो, और दोनों में जैसे दोनों में अंतर अगर 36 का है, ठीक, दोनों के आय में अंतर जो है 36 का है, तो एक देखिए एक्स है और एक एक्स प्लस 4 है, जैसे एक्स माइनस एक्स बराबर 4, दोनों में अंतर 4 वर्ष का रहेगा तो इसी तरीके से लिख देंगे एक्स माइनस एक्स बराबर 4, तो इसमें एक एक्स हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस 4, तो इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे, एक्स और एक्स प्लस 4, एक्स और एक्स प्लस 4 जोड़ेंगे, दोनों का यही तो हुआ मान, और यही 36 के बराबर है, तो एक्स का मान आप यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए आया बराबर गया प्लस माइनस एन के होता है, हमको पता है, लेकिन आया माइनस गया बराबर एन इंटू के होता है, यानी अंतर बराबर एन इंटू के होता है, अगर अंतर पूछ लिया आया गया वाले में, मतलब शामिल किया गया निकाला वाले में अगर अंतर पूछा कभी तो एन के हो जाएगा, इतना आपको याद रखना है। ठीक, आया बराबर गया प्लस माइनस एन के से अंतर बराबर एन के हो जाएगा, इतना आपको ख्याल रखना है। अब देखिए गलती वाली प्रश्न आ जाती है, गलत वाला। ठीक है, देखिए दोस्तों गलती वाले प्रश्न कैसे आते हैं, ये तो मान लीजिए कॉन्सेप्ट है, बिना कॉन्सेप्ट के हम लोग कैसे देखेंगे इसको, देखिए जैसे 100 विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले 100 लिख लेंगे, 100 विद्यार्थियों को 90 अंकों को 60 अंकों में कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक, गलत, ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए
अब देखिए 90 अंकों को 60 अंकों में परिवर्तित किया जाता है, तो पहले जब गलती उलती हुई थी तो उसका 65 था औसत, जब 60 कर दिया गया तो उसका औसत 50 हो गया। तो इस तरीके से आप पूरा बना लेंगे। और यहाँ पे देखिए 90 और 60 का अंतर ले लेंगे, यहाँ पे 30 आ जाएगा अंतर, ठीक। और 30 में यही 100 विद्यार्थियों को गुणा कर देंगे, यानी यहाँ 30 आएगा, यहाँ 30 आएगा तो गुणा कर देंगे इसमें, इसमें इसका गुणा कर देंगे, तो ये आपका 30 × 100 हो जाएगा, ठीक। और इसको घटा देंगे, ऊपर वाले दोनों को घटा देंगे, इसको और इसको घटा देंगे, और इस 100 को और इसको गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए 100 विद्यार्थी हैं, 90 अंकों को 60 अंकों में परिवर्तित किया जाता है, तो पहले जो था 65 और बाद में सभी का औसत 50 हो जाता है जब सही किया जाता है तब, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखिए पहला काम क्या कर देना है कि इस 100 का इसके अंतर में गुणा कर देना है। तो 100 × 30 करेंगे, 30 × 100 करेंगे, ठीक। उसके बाद दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम आपको कर देना है इस 65x में से 15x को घटा देना है, तो 65 में से 50 जाए 50 10 60 5 15x, तो यहाँ पे आप काटेंगे 15 × 30 आएगा, x बराबर डायरेक्ट 200 आ जाएगा। और आपको जो पूछेगा सही औसत पूछेगा तो यहाँ मान रख दीजिए, गलत औसत पूछेगा तो यहाँ मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक। गलत योग सही योग, अब देखिए सही योग सही औसत, तो इसका कैसे निकलता है, इसमें सही योग सबसे पहले निकालते हैं फिर सही औसत निकालते हैं। जैसे दे दिया 10 संख्याओं का औसत 15 है, 150, 10 संख्याओं का औसत 15 है, बाद में पता चला कि 36 को 26 पढ़ लिया गया, तो आपको यही देखिए गलत योग हुआ सबसे पहले निकालना पता है, तो सही योग पहले निकालेंगे। सही योग बराबर गलत योग तुरंत लिखेंगे 150, और फिर 36 को 26 पढ़ लिया गया, यानी गलती 26 हुई थी और 36 रहना चाहिए था, तो आपका सही योग निकल जाएगा, और इसी बटे पूरा संख्या कर देंगे तो आपका सही औसत निकल जाएगा, ठीक। पृष्ठ वाले प्रश्न में देखिए नेट ही यूज करते हैं, पृष्ठ वाले प्रश्न में नेट यूज करते हैं, जैसे 512 पृष्ठ है, औसत 4 है तो इतना आ गया, तो 302 पृष्ठ अगर हो जाता है तो औसत इतना हो जाता है, दोनों जोड़ देते हैं इधर, दोनों जोड़ देते हैं इधर, और इतना बटे इतना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तापमान पर आधारित 2 समीकरण बनाकर हल किया जाता है, जैसे देखिए यही है m प्लस टी प्लस डब्लू, मतलब 3 दिन का, और जैसे औसत बराबर योग बटे संख्या होता है, यही ध्यान देना है, संख्या होता है तो संख्या बाद 3 से गुणा यहाँ पे हो जाएगा, 3 3 का जोड़ा बनेगा, 3 से यहाँ गुणा होता चला जाएगा, ठीक। और निकाल लेंगे आप विविध में, देखिए क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। अब जैसे अभी आया गया वाले में हमने देखा कि अंतर में यन इंटू के होता है, ठीक, तो एक और अंतर का आता है, जैसे क्रमागत 3 3 संख्या दी रहेंगी, 3 सम क्रमागत संख्याएं दी रहेंगी, 3 विषम क्रमागत संख्याएं दी रहेंगी, और अंतर 5 दिया रहेगा, तो इसका यो आंसर देखिए 5 होगा, और ये जो 3 3 दिया है यही 5 × 3 हो जाएगा आपका 15 आंसर हो जाएगा, योगफल में अंतर पूछेगा, तो योगफल में अंतर बराबर यन गुणे दिया गया अंतर, ठीक। अंतर दिया गया 5 है और यन 3 है, 3 × 5 करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक। मध्य की संख्या निकालने के लिए, जैसे 1 2 3 मध्य की संख्या निकालने के लिए पहली 2 संख्या का योगफल, तो पहली 2 संख्या कौन कौन है इनका योगफल निकाल लेंगे, अंतिम 2 संख्या का योगफल, फिर अंतिम 2 संख्या कौन कौन है ए हैं इनका योगफल निकाल लेंगे, फिर तीनों संख्याओं का योगफल, फिर तीनों संख्याओं का योगफल निकाल लेंगे, योगफल कैसे औसत वाले से योगफल निकाल लेंगे, फिर पहली 2 संख्या फिर प्लस कर देंगे अंतिम 2 संख्या, फिर माइनस कर देंगे तीनों का संख्या। अब योगफल कैसे निकलता है, जैसे औसत बराबर योग बटे संख्या, तो यहाँ से योग निकालना है, औसत दिया रहेगा और संख्या गुणा कर देंगे, ठीक।
अब देखिए औसत में यन यन कैंसिल हो जाता है। जैसे प्रथम यन संख्याओं का औसत हम जानते हैं कि प्रथम यन संख्याओं का योगफल एन एन प्लस वन बाई टू होता है, तो यहाँ पे एक यन और लिख के यन यन कैंसिल कर दीजिए। ठीक, प्रथम यन संख्याओं के घनों का औसत तो एन एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर होता है, यहाँ पे एक और यन यहाँ पे लिखेंगे, उसका वर्ग करेंगे, फिर यन यन कैंसिल कर देंगे। इसी प्रकार सभी सूत्र हैं। ठीक, अब यन विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल एन बाई थ्री फोर एन स्क्वायर माइनस वन है, यहाँ पे योगफल लिखिए लिखा है, औसत नहीं लिखा है, तो इसमें बटे एन करेंगे तब जाके औसत हो जाएगा। एन विषम संख्या वाले घनों का औसत जब निकालना होगा, ये वर्गों का है घनों का, तो एन स्क्वायर टू एन स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा और बटे एन कर देंगे तो औसत हो जाएगा। बदली हुई संख्या के अंकों का अंतर, बदली हुई संख्या के अंकों का अंतर जो है यन गुणे औसत प्रभाव बटे नौ होता है। अब इसके बाद प्रतिशतता पढ़ेंगे अगले चैप्टर।